अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अना जलील है। आज हम का जो टॉपिक जो मैं जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करूँगी वो हमारी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और वो है हेमराइड डिज़ीज़, या जिसको उर्दू में बवासीर कहते हैं। बड़ी कॉमन बीमारी है, ये हमारी कंट्री में कॉमन हुई भी है और लोग इसके बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं, तो इसलिए आज मुझे मौका मिला है कि मैं इसके बारे में कोई बात कर सकूँ। तो बेसिकली बवासीर क्या होती है, हेमराइड्स क्या होती है, कि ये बड़े पेशाब या पखाने के रास्ते में जो नीचे वाले हिस्से में जो रगें होती हैं उनके फूल जाने को कहते हैं, और इसमें से उस फूल जाने की वजह से उसमें से जो खून बहता है उस बीमारी को बवासीर कहते हैं। बिल्कुल सादा ज़बान में मैंने इसको समझाया है। तो हर जो बीमारी जिसमें बड़े पेशाब के रास्ते से खून बह जाता है, और कॉमन जो चीज़ होती है वो हेमराइड होती है। लेकिन इसमें एक बात को कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है कि हर बड़े पेशाब के रास्ते से जो खून होता है वो बवासीर नहीं होती है। तो डिफरेंट बीमारियां होती हैं जिसमें खून आता है, तो एक दफ़ा एक डॉक्टर से ज़रूर आपको चेकअप कराना चाहिए, जो आपको बिल्कुल क्लियर इसको मुआयना करने के बाद इसको लेबल कर सके कि आपको बवासीर की बीमारी है। क्योंकि लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ बातें होती हैं, वो समझते हैं कि बस हमारे बड़े पेशाब में खून आ रहा है तो हमें बवासीर की बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बवासीर हो सकती है लेकिन बड़े पेशाब में खून की और कई वजूहात हैं। मसलन एनल फिशर होता है, उसमें भी खून बहता है और बिल्कुल फ्रेश ब्लीडिंग होती है, तो लोग इसको इसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम इसमें फ़र्क तलाश कर सकते हैं कि ये एनल फिशर बना हुआ है पेशेंट को या बवासीर में। इसके अलावा एक आंतों की सोजिश की बीमारी होती है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, उसमें भी बड़े पेशाब में खून आता है। और सबसे अहम चीज़ जिस पे मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस पे फोकस करें, वो ये होता है कि जो बड़े पेशाब में के अंदर आंतों में रसौली बन जाती है जिसको कैंसर कहते हैं। तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो हमारे बड़े पेशाब में खून आ रहा है वो बवासीर होता है, लेकिन उनको असल इसकी वजह नहीं पता होती कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा कैंसर जो है वो जिस्म में नशरमा पा रहा होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे मेरा इंपॉर्टेंट आज की इसका मैसेज ये है कि आपने एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर अपना मुआयना ज़रूर करवाएं, और किसी अच्छे एक्सपर्ट सर्जन से एग्जामिनेशन कराएं जो हिस्ट्री मरीज़ की ले, जिसमें आपको पता चले कि बवासीर की खून आ रहा है, नहीं आता, फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, या पुराना खून है, काले रंग का पखाना है, इसके अलावा पेन है मरीज़ को, अगर दर्द है और कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, वो पूरी हिस्ट्री ले फिर मरीज़ का मुआयना करते हैं। इसमें एक आला अंदर प्रोक्टोस्कोप डाल के अंदर से मुआयना एग्जामिनेशन करते हैं। पूरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद फर्दर उसको कंफर्म करने के बाद कोलोनोस्कोपी सिग्माइडोस्कोपी करने के बाद आप इसको लेबल कर सकते हैं कि मरीज़ की बड़ी आंत क्लियर है और सिर्फ जो नीचे वाले हिस्से में जब मौके निकले हुए उनको आम जबान में जिसको बवासीर कहते हैं वो बीमारी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब आपको बवासीर की बीमारी हो तो आप लोग जो है वो शाइनेस की वजह से आते नहीं हैं, डॉक्टर को चेकअप नहीं कराते हैं, या दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं तो वो इतनी वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होती कि वो किसी के पास पहुँच सकें। ख़ास तौर पर फीमेल्स का मसला होता है कि वो बहुत ज़्यादा शाइनेस होती है उनको कि हम किसी को मर्द डॉक्टर को कैसे मुआयना कराएँ। तो आजकल हर जगह पर फीमेल सर्जन्स ज़्यादा हो गई हैं, तो अब बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा हर जगह पे लेड डॉक्टर मौजूद होती हैं तो एक दफ़ा ज़रूर अपना मुआयना करवाएं ताकि वो आपका अच्छी तरह इसको चेकअप करने के बाद इसको लेबल कर सकें और फिर उसके मुताबिक इसका इलाज कर सकें।